नीचे तो इतना बड़ा नहीं था यार, नीचे भी बनाया है अभी, इतना बड़ा नहीं था नीचे। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं बस में, जा रहे हैं अपने फ्लाइट के पास। और बाई में मैं बताना भूल गया, हमारा एकदम न्यू फ्लाइट है ये। न्यू मतलब क्या, इसमें फर्स्ट टाइम मतलब ट्रैवल होने वाला है अलायंस एयरलाइन में। वो जो छोटा स्पाइस जेट वाला जो होता है ना, जो पैकिंग वगैरह जाता है, उस टाइप का ही है। अपना सबसे फ्रंट वाला। ऑलराइट, तो अभी हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं और ये देख लो हमें फ्रंट वाला सीट मिला है। अच्छा खासा लेग रूम है, अच्छा खासा। 3 घंटे का जर्नी है, सबसे लंबा फ्लाइट होने वाला है मेरा, क्योंकि जाना है मात्र 400-500 किलोमीटर। और विंडो उतना क्लीन नहीं है यार, शॉट तो बाहर का एकदम नहीं आ पाएगा। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने सीट में बैठ गए हैं। सीट तो मैं बोलूँगा कंफर्टेबल है, मैंने फ्रंट वाला सीट लिया है ना, तो लेग स्पेस भी काफी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन यार विंडो देख लो यार, विंडो बड़ा गंदा हो रखा है, बाहर का कुछ शॉट नहीं ले पाऊंगा मैं, साफ सफाई नहीं होता है यार। और ऊपर से देखो आधा से आधा फ्लाइट भी पूरा खाली है। पता नहीं शायद हो सके रांची से कोई बोर्ड करे। भाई तो मैं बताना भूल गया, ये जो हमारा फ्लाइट है ना, पहले रांची जाएगा, रांची में 35 मिनट का इसका ले ओवर है, फिर उसके बाद ये भुवनेश्वर जाएगा। तो इसीलिए भुवनेश्वर जाने में हमें 3.5 घंटे के जैसा लगेगा, नहीं तो आराम से हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाए। और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास, डायरेक्ट फ्लाइट भी था कोलकाता से, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया। मुझे ये वाला फ्लाइट को दिखाना था, अलायंस एयर, जिसमें फर्स्ट टाइम मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने सुना है जब ये एयर इंडिया जो है टाटा ग्रुप का पार्ट नहीं था, तब ये शायद एक था, मतलब एयर इंडिया का ही पार्ट था ये, लेकिन अब शायद अलग हो। अगर गलत हो तो करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी तक तो सीट वगैरह कंफर्टेबल ही लग रहा है, सीट वगैरह ठीक। सामने इमरजेंसी एग्जिट भी है। साफ सफाई भी बढ़िया है, बस ये थोड़ा क्लीन नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी इसका टिकट का कितना पड़ा और ये फ्रंट सीट के लिए मैंने कितना पे किया, सब कुछ मैं होटल रूम पहुंच के बताऊंगा। फाइनली हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री की उड़ान की योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत हम अपने मिशन उड़े भारत जुड़े भारत के तहत Tier 2 और Tier 3 शहरों को भारत के प्रमुख शहरों के साथ जोड़ते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए कृपया www.allianceair.in पर लॉगिन करें। धन्यवाद। देख लो ये नीचे पूरा सॉल्ट लेक है और वहाँ पे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी दिख रहा है। बाय द वे ये फुटबॉल स्टेडियम है। और नीचे में जो मेट्रो लाइन दिख रहा है ना आपको, याद करो मैंने इसी मेट्रो लाइन में एक वीडियो बनाया था। ये रहा तुम्हारा फूल बगान एरिया, ये वाला राइट साइड में फूल बगान है, लेफ्ट साइड में सॉल्ट लेक पूरा। ये देख लो हमारा ईडन गार्डन भी दिख रहा है, सामने में अगर आप देखोगे तो विक्टोरिया भी दिख रहा है, 42 भी दिख रहा है, और ये हुगली ब्रिज, न्यू हावड़ा ब्रिज, ये देखो शालीमार स्टेशन। भाई साहब बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मैप में देख लो अभी हम लोग जमशेदपुर के ऊपर से जाने वाले हैं। तो हेलो जमशेदपुर, पता नहीं आपके वहाँ का चक्कर कब लगेगा, लेकिन हाँ अभी आपके ऊपर से जा रहा हूँ, तो हेलो सभी। हाँ जी, तो अभी हम लोग रांची लैंड करने वाले हैं। देख लो मुझे वेलकम टू जियो बिहार एंड झारखंड का मैसेज भी आ चुका है। आया आपको? हाँ आ गया ना। ये तो चलो भैया देख लो। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से गए थे, फ्लाइट से आए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आपसे निवेदन है कि विमान की पूरी तरह से रुकने तथा रक्षा संकेत रहने पर कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें, ऊपर बने लॉकर्स न खोलें। आज हमारे साथ यात्रा करने के लिए अलायंस एयर कप्तान तथा अन्य कैबिन प्रेमियर की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। इस विमान से सीमित संख्या में यात्री विमान से उतर सकते हैं, अतः सभी यात्री से अनुरोध है अपने स्थान पर ही बैठे रहिए, उतरने के लिए कैबिन करने के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। हमारा विमान रांची हवाई अड्डे केवल 25 मिनट रुकेगा। पूरा फ्लाइट हमारा खाली हो गया, कोई है कि नहीं पापा इधर? कोई नहीं है, मतलब बूट करेगा। और बाय द वे हमारे सब्सक्राइबर मिले रांची से, चलो ठीक है, मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट में ही मिल गए थे, अभी देख लो हमारा फ्रंट वाला सीट दोनों ही खाली है, चार पांच आदमी है। अरे नहीं, अभी बोट करेगा ना, बोला ना कुछ आदमी तो बोट करेगा ही। और एक चीज है कि फ्लाइट में कुछ खाने पीने का भी नहीं है, कॉफी चाय का भी ऑप्शन नहीं है, बस पानी का ऑप्शन है। एक नंबर, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैंने कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लिया है। हाँ जी, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी कनेक्टिंग फ्लाइट में जा रहा हूँ और काफ़ी सारे पैसेंजर यहीं पे उतर गए। वैसे भी पैसेंजर भी काफ़ी कम ही थे रांची के, अभी देखो भुवनेश्वर के लिए कितने लोग आते हैं, पूरा फ्लाइट खाली हो चुका है भाई, पीछे गिने चुने लोग हैं। और बहुत जोड़ों का मुझे प्यास लग गया है, पानी के लिए मैंने बोला है, देखो मिलता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत इससे मेंटेनेंस का अच्छा खासा जरूरत है कि होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि 25 मिनट का हॉल्ट होगा, नहीं हुआ तो जल्दी भी वो चले जाएंगे। ये देखो पूरा हिल रहा है, हिल रहा है भाई, सेफ्टी नहीं है। अरे तुम देखो ना, ये देखो मेंटेनेंस का बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मतलब विंडो एक भी यार क्लीन नहीं है कोई, बस जैसे भी भुवनेश्वर पहुंच जाए जगन्नाथ के नाम पे। फाइनली हम रांची से भी उड़ने के लिए तैयार। Alliance Air is no more a subsidiary of Air India. With a fleet of 19 aircraft, they operate 125 daily flights to 55 destinations within India. Following the Honorable Prime Minister's scheme of Udaan, that is Ude Desh Ka Aam Nagrik, we connect Tier 2 and Tier 3 cities with major metros of India under our mission Ude Bharat Jude Bharat. To book our ticket online, please log in at अच्छा जो भी लोग रांची से देख रहे हो कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज है यार, ये बहुत सही लगा मुझे। फाइनली वी हैव रीच्ड भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उतर के बताते हैं यहाँ आने का मेन रीजन। मेन रीजन क्या है उस टाइम में पता चलेगा, शौक हो जाएगा लोग क्या है उसके बाद। ऐसे भी पागल पागल लोग हैं। तथा रक्षा संकेत रहने पर कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहे, ऊपर बने लॉकर्स ना खोलें। आज हमारे साथ यात्रा करने के लिए अलायंस एयर कप्तान तथा अन्य कैबिन कर्मियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। इस विमान से सीमित संख्या में यात्री विमान से उतर सकते हैं, अतः सभी यात्री से अनुरोध है अपने स्थान पर ही बैठे रहे, उतरने के लिए कैबिन कर्मी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। जी तो देख लो ये वाले फ्लाइट से हम लोग आए, तो अभी हम लोग भुवनेश्वर लैंड हो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लैंड करते ही बताऊंगा कि यहाँ आने का मेन रीजन क्या है, तो मैं बता दूं यहाँ मैं आया हूँ अपना फर्स्ट स्कूटी लेने के लिए। काफी कमाल का स्कूटी है, मेरे को बहुत दिन से लेने का मन था और हमारे कोलकाता में कहीं अवेलेबल नहीं था, ये था लेकिन वेटिंग था। कितने दिन का वेटिंग था ना? डेढ़ महीना। डेढ़ महीना। कोशिश करते हैं पहले है कि नहीं, पहले जाते हैं शोरूम में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और फ्लाइट एक्सपीरियंस का क्या कहोगे? मेंटेनेंस का बहुत जरूरी है, बस एक ही बात कहेंगे, मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे मैं बता दूं हम दोनों के लिए मैंने पे किया था लगभग 8000 रुपए के आसपास, 7900 समथिंग कुछ लगा था, वही समझ लो ना 4000 करके पर पर्सन लगा। तो मेरे हिसाब में ये भाड़ा अगर 2000 से 2500 से 2000 के बीच में होता तो ठीक है। भाड़ा ऊपर से कुछ था भी तो नहीं, इनफैक्ट मैं बोल रहा था कि मेरे को कॉफी चाय दे दो यार, 3 घंटे का जर्नी है। तो वो पायलट लोग पी रहा था दबा के, खाना भी खा रहा था दबा के। पैसेंजर को तो देना चाहिए ना, खरीद के दो, मैं फ्री नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कम से कम दो यार। मैं पानी पी के हम लोग रह गए, तो अभी बहुत जोर का भूख लग गया। थैंक गॉड अच्छा हुआ हम लोगों ने जो लाउंज में दबाया था तो उसका फायदा मिल गया भाई। तो लाउंज का एक फायदा तो होता है भाई, दबा कर खा लो फिर फ्लाइट में पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक काम करते चलो, ये वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ये मैं यहाँ पे घूमने अभी नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ मैं, तो ये
मत बोलना मोहित भाई आप वहाँ जाओ, वो कवर करो, ये कवर करो, मेरा प्लान है, मेरा प्लान है अगर यहाँ मेरा जो स्कूटी मिल जाता है पूरी जाऊंगा मैं पूजा करवाने के लिए, फिर वहाँ से और भी बहुत सारा प्लान है, वो क्या है क्या नहीं वो देखते हैं, या तो स्कूटी भिजवा दूंगा मैं या तो और कुछ ऑप्शन देखते हैं। चलो एक काम करते हैं जल्दी से भागते हैं, कहाँ जाना हम लोग को, पटिया, पटिया नंदनकानन, नंदनकानन साइड में जाना है, तो बाय।